दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। लॉकडाउन 3 लागू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि जहां भी आप होंगे सुरक्षित होंगे और इस वैश्विक महामारी में भारत सरकार का भरपूर सहयोग कर रहे होंगे लॉकडाउन का पालन करते हुए। तो दोस्तों, आज हमारा जो मेन मैटर होगा, जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों के बीच में अपना विचार रखने वाले हैं, वो मैटर है जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, यानी भोजपुरी लोकगीतों का जो क्रिएटिंग सेक्टर है, जहाँ से काम होता है, मैकिंग के लिए सबसे बेटर और सबसे बढ़िया और किस तौर तरीके से अच्छा रहेगा, इस पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भोजपुरी लोकगीतों को पसंद करते हैं या भोजपुरी सिनेमा देखते हैं तो आप बने रहें बीसीटी पर। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में जो है बेल आइकन का भी बटन दाबें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपने इस चैनल पर डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचें। दोस्तों, आते हैं मैटर पर। जैसे अपना जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जितने भी रहने वाले लोग हैं, अपने जो है श्रोता बंधु हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। लेकिन जो भोजपुरी लोकगीत बनाए जाते, मतलब सुना तो पूरे वर्ल्ड में जाता है, मार्केटिंग जो है पूरे वर्ल्ड को लेकर किया जाता है, लेकिन जो इसको बनाने का, यानी का जो ढंग का बनाने का जो प्लेटफॉर्म है, आपको पटना में मिल सकता है या दिल्ली में मिल सकता है या मुंबई में मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क स्पष्ट करेंगे कि कौन कितना और कहाँ कितना बेटर वर्क होता है, इस पर फोकस करेंगे। तो पहला नंबर हम मैटर को जो है लेकर चलते हैं आपके पटना में। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी सुनते हैं, तो बिहार और यूपी और झारखंड से ही बिलोंग करेंगे, वहीं के ही रहने वाले होंगे। तो दोस्तों, अपने पटना में भी बहुत से स्टूडियो हैं जो अच्छा काम करते हैं। अब अगर आप पटना में अच्छा भी ऑडियो बना लेते हो तो फिर वहाँ शूटिंग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आपको परफेक्ट शूटिंग वहाँ से नहीं मिल पाता है, आपको आना होगा दिल्ली। दूसरा नंबर, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं, सोचते हैं कि मुंबई से रिकॉर्ड कराएं, तो अच्छी बात है, मुंबई में भी बढ़िया ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम वहाँ भी होता है, यानी कि अगर आपको बढ़िया वीडियो चाहिए, या तो आपके पास बजट बढ़िया हो तब आपको वहाँ बढ़िया वीडियो मिलेगा, नहीं तो आना पड़ेगा दिल्ली। यानी कि मुंबई में जो है, आपने देखा होगा बहुत से स्टूडियो हैं, वहाँ के जो चार्ज होते हैं वो महंगा होते हैं, मतलब मुंबई में बहुत से स्टूडियो हैं तो उनके चार्ज महंगा होते हैं। अब जैसे जो ऑडियो आपका यहाँ 3,000-3,500 में या 2,500 में बन जाता है, वो ऑडियो आप मुंबई में अगर बनाते हो तो मान के चलो कि 3,500-4,000 के आसपास या 5,000 के आसपास जाएगा ही, इससे कम का कोई स्टूडियो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए भी आपको आना होता है दिल्ली। अब दिल्ली क्यों आना होता है? दिल्ली को अगर आप फोकस करते हो तो शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आपको मतलब किसी चीज़ को, बनारस में भी होता है क्योंकि वहाँ से भी गाने हिट हुए हैं, ऐसा नहीं, मैं मतलब इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ, यही नहीं कहना चाहता हूँ कि टोटल वर्क जो कुछ भी सब कुछ होता है वो दिल्ली ही होता है, चारों तरफ होता है, लेकिन जो ढंग के कलाकार होते हैं, एक स्टूडियो से लगातार गाते रहते हैं और सिस्टम को समझ जाते हैं, कल का वही गाने मतलब हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं और वो स्टार बन जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टार दिया है दिल्ली के मार्केट ने दिया है भोजपुरी लोकगीतों के माध्यम से। यहाँ से बहुत से जो है सिंगर गा के जो है स्टार बने हैं, मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खासियत जो है दिल्ली के स्टूडियो के या रिकॉर्डिंग स्टूडियो या कंपनियों के या जो है शूटिंग का जो तौर तरीका है, व्यवस्था है, उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि सब कुछ ईजी मिल जाता है, सस्ता भी मिलता है। अब जैसे दिल्ली में आप आ गए अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन या गणेश नगर में या लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, यहाँ आने के बाद आपको ढेर सारे स्टूडियो मिल जाते हैं। यहाँ पर कई तरीके के रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी होते हैं, कई तरीके के जो है कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी तमाम कंपनियां यहाँ आपको दिल्ली में आपको मिल जाएंगी। TF, वेव, RCM, लोटस, डे स्टार भोजपुरी, BCT मिल जाती है आपको, और तमाम कंपनियां, इतना कंपनियां, नूतन भी यहीं पर, रिया भी यहीं पर है, और ढेर सारे कंपनियां हैं जो यहाँ से चलती हैं। यहाँ से क्यों चलाया जाता है? क्योंकि म्यूज़िक कंपोजिंग जो है सस्ता हो जाता है, जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जो भोजपुरी में बजता है वो मिलता है। वीडियो सबसे इजी है, आपका नजफगढ़ में फार्म हाउस हैं, तमाम जो दो चार
छः फार्म हाउस सब में भोजपुरी गाने ही शूट होते हैं। फिर इधर अलीपुर चले जाते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर भोजपुरी गाने शूट होते हैं। यानी कि ऑडियो भी कंप्लीट मिल जाता है आपको, वीडियो भी कंप्लीट मिल जाता है, भोजपुरी की टॉप मॉडलें मिल जाती हैं। सब कुछ मिलने की वजह से दिल्ली के मार्केट में जो भोजपुरी लोकगीतों के लिए सबसे बेटर होता है, मैंने देखा है, अपना अनुभव आपको शेयर करता हूँ कि बिहार से बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, ऑडियो बनवाते हैं, वीडियो शूट कराते हैं, पटना से भी आते हैं, यूपी के तो टोटल बंदे आते हैं इधर ही दिल्ली ही, मुंबई से लोग, मुंबई से हमारे पास आप देखते होंगे चैनल पे डीएसएफ भोजपुरी पे, डीएसएफ भोजपुरी पे तमाम जो है सिंगर हमारे मुंबई के आते हैं, गाते हैं, वीडियो शूट कराते हैं, जाते हैं। तो मतलब मार्केट तो सब सही है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो ढंग का व्यवस्था, आपको इकट्ठा चाहिए, ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए, तो आपको दिल्ली आना चाहिए। और अगर नहीं आ सकते हैं तो कुछ तो महंगा पड़ेगा आपका, मुंबई भी हो जाता है। मुंबई में जो है फिल्मों का मार्केटिंग ज़बरदस्त होता है, क्योंकि यहाँ से ऑडियो वीडियो और सब कुछ, यहाँ टोटल वर्क जो है यहाँ का बढ़िया होता है, लेकिन सब कुछ जो है नहीं मैनेज कर सकते हैं। अब मुंबई में फिल्मों का मार्केटिंग हो जाता है, लेकिन लोकगीतों का टोटल वर्क आपको ढंग से करना है तो दिल्ली ही आना होता है। मैंने सोचा इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग पूरे इंडिया से फ़ोन करते हैं, लेकिन अब वो बार बार ये पूछते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए, आप लोगों के बीच में डाल दिया जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बार बार जो है डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी हमारे पास था हमने आप लोगों के बीच में शेयर किया, और आप कुछ समझ भी पाए होंगे, गंभीरता से लेंगे, इसमें ना कोई फेक है, ना कोई दिखावा है, ना किसी प्रकार का कोई दबाव है कि हम मुंबई पटना या इनको इनको ये कह दें, उनको वो कह दें, इसे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो हकीकत है उस चीज़ को मैंने आप लोगों के बीच में लेकर आया। तो चलते चलते दोस्तों, मैंने सोचा कि हमारा एक भोजपुरी चैनल है, भोजपुरी टेक चैनल, जिस पर हम जो है आए दिन बढ़िया बढ़िया वीडियो डालते रहते हैं, इसके बाद आप वहाँ उसको भी सर्च मार के, या इसका लिंक जो है भोजपुरी टेक का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप वहाँ से जाके क्लिक करके उस पर भी देख सकते हैं। क्योंकि आज एक वीडियो में भोजपुरी लोकगीतों का जो शूटिंग सेक्टर होता है, जहाँ पर फार्म हाउसों में शूटिंग होता है, उसको मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश किया है उस चैनल पर। तो ज़रूर जाइएगा, और आप बने रहें बीसीटी पर, जहाँ भी रहें मस्त रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।